दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, चीन की हरकतों के बारे में तो हम सब पहले से ही काफी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही गलवान वैली में हुए स्टैंड ऑफ के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज आर्मी को रोकने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए थे, पर इससे उसकी हरकतों में कोई खास बदलाव नहीं आया। हाल ही में आई एक न्यूज के अकॉर्डिंग चीन उसी रीजन में फिर से रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई खास रिएक्शन नहीं आया, और शायद इसी वजह से चाइनीज आर्मी की हिम्मत और भी बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग चीन डिस्पांग प्लेन्स में इंडियन क्लेम लाइंस में कई नए कंक्रीट के वॉच टावर्स बना रहा है, जिन पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अब सीसीटीवी कैमरास के प्रेजेंस की वजह से ये तो समझ आ ही जाता है कि चीन इन वॉच टावर्स की हेल्प से इंडियन ट्रूप्स पर नजर रखना चाहता है। रिपोर्टर्स की माने तो चीन की आर्मी ने फ्रिक्शन एरियाज, जो कि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास है और चाइनीज बॉर्डर को गार्ड करते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन जारी रखे हुए हैं। और अभी हाल ही में चीनी आर्मी ने हॉट स्प्रिंग्स और डिस्पैन प्लिंग्स पर ये वॉच टावर्स बनाए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात तो ये है कि चाइनीज आर्मी ने ये टावर्स अपनी टेरिटरी में नहीं बनाए हैं, बल्कि ये टावर्स इंडियन टेरिटरी में 18 किलोमीटर तक बनाए गए हैं। भी पिछले ही महीने इंडिया और चीन के बीच हुआ मिलिट्री टॉक्स का 16th राउंड किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने में फेल हो गया, क्योंकि चाइनीज आर्मी ने स्टॉक में अपनी पुरानी पोजीशन लेने से मना कर दिया, जो कि अप्रैल 2020 में थी। इसकी वजह इंडिया के मिलिट्री वेटरन्स और इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कैसे उन्हें डर है कि चाइनीज आर्मी एक नया स्टेटस क्यू क्रिएट करने का प्लान कर रही है, और इसमें वो उस टेरिटरी को भी शामिल करेगी जिसे उसने ऑक्यूपाई किया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चाइनीज आर्मी ने इंडियन टेरिटरी में वॉच टावर्स बनाए हैं। इसकी शुरुआत एक साल पहले ही हो चुकी थी। पिछले साल जुलाई में ही चाइनीज आर्मी ने इंडियन टेरिटरी में अपना पहला ऑब्जर्वेशनल पोस्ट फिट किया था, जिस पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने मेकशिफ्ट वॉच टावर पोस्ट फिट किए, जिन पर डिजिटल कैमरास थे, जिसकी हेल्प से वो चाइनीज आर्मी की एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके। इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स की माने तो चीन की आर्मी ने तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में बंकर्स भी बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच मिलिट्री टॉक्स का नेक्स्ट राउंड कब होता है, और क्या उसका कोई कंक्लूजन निकल पाता है, या फिर ऐसे ही चाइनीज आर्मी इंडियन टेरिटरी में कंस्ट्रक्शंस करते रहने वाले हैं और इंडिया देखता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।